Hello class, good morning. So today we are going to discuss about another semiconductor device which is transistor. Last lecture में हमने diode के बारे में चर्चा करी थी, जहाँ पे अपन ने PN junction diode, rectifier, half wave rectifier, full wave rectifier देखा था, है ना? तो आज अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे transistor की. देखो transistor क्या होता है, transistor के बारे में समझने की कोशिश करते हैं अपन. Transistor होता है combination of three terminals and two junctions. तो इस बात को अपन लिख लेते हैं कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री टर्मिनल्स एंड टू जंक्शंस, राइट. और हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पी टाइप एंड वन एन टाइप सेमीकंडक्टर, और वी कैन से टू एन टाइप एंड वन पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना? देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड वन एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो अगर यहां पे दो पी टाइप के बीच में एक एन टाइप अगर सैंडविच्ड है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, पी एन पी ट्रांजिस्टर, ठीक है ना. उसी तरह से ये भी पॉसिबिलिटी कि दो एन टाइप के बीच में एक पी टाइप सैंडविच्ड हो जाए, तो इसलिए हम यहां पे एक और बात लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एन टाइप एंड वन पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि एन पी एन ट्रांजिस्टर भी होता है. तो हम इन दोनों ट्रांजिस्टर की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन समझेंगे, ठीक है. सो नाउ लेट्स सी कि ये दिखते कैसे हैं. यहां पे हम लेते हैं पी एन पी ट्रांजिस्टर और यहां पे हम लेते हैं एन पी एन ट्रांजिस्टर, ठीक है बच्चों. तो देखो कैस किस तरह से इसकी ड्राइंग होती है. अब सबसे पहले आता है यहां पे पी टाइप सेमीकंडक्टर. अब यहां पे ना नोटिस करना कि मैं एरिया जितना डिवोट कर रहा हूं वैसा ही रियलिस्टिक में भी होता है ना. और ये देखो एन का एरिया जो है वो पी के एरिया से भी अपन यहां पे कम बना रहे हैं, और फिर ये सबसे बड़ा किसका आ जाता है, पी का एरिया आ जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर का. यहां पे देखो अगर एन पी एन अगर अपने को ड्रॉ करना है तो अपन एन पी एन को किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है. ये सबसे बड़ा तो नहीं कहेंगे, सेकंड नंबर का एरिया होगा यहाँ पे n, फिर p का एरिया यहाँ पे छोटा हो जाएगा और फिर n का वापस से बड़ा हो जाएगा. अब देखो जो बात मैंने डायोड के टाइम पे बोली थी कि एक p टाइप और एक n टाइप सेमीकंडक्टर का पास में रख दोगे तो डायोड की तरह काम नहीं करेगा, अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे केमिकल ट्रीटमेंट हो और उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना किया जाए. यहाँ पे भी वही होगा, P और N के बीच में केमिकल ट्रीटमेंट होगा, N और P के बीच में केमिकल ट्रीटमेंट होगा, सिमिलरली यहाँ पे और यहाँ पे. क्यों होगा, ताकि इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो पाए, तभी ये एक्चुअल ट्रांजिस्टर की तरह बिहेव करेंगे. तो ये तो पहले की बात हो गई, ठीक है ना. अब देखो क्या होता है कि मैंने आपको क्या बताया, देखो डेफिनेशन से इट हैज थ्री टर्मिनल एंड टू जंक्शन, तीन टर्मिनल होंगे और दो जंक्शन होंगे. तो यहां पे देखो पीएनपी में अगर अपन बात करें तो एक टर्मिनल ये हो गया जिसको अपन कहते हैं एमीटर, क्या बोलते हैं इसको अपन, एमीटर. और यहां पे होता है एक बेस और यहां पे होता है एक बेटा कलेक्टर, कहती बात समझ में आई. उसी तरह से एनपीएन के लिए यहां पे क्या होगा, एमीटर, एमीटर को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कलेक्टर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो एन टाइप में यहां पे क्या होगा, एमीटर, देन यहां पे क्या होगा, बेस, और यहां पे क्या होगा, कलेक्टर. सो नाउ तीन टर्मिनल आपने देख लिए, एग्जैक्टली एमीटर कलेक्टर बेस क्या होते हैं इसको भी अपन समझेंगे. एज ऑफ नाउ केवल आप इस पे डायग्राम पे अभी ध्यान दें. तो एमीटर बेस और कलेक्टर हमें पता चल गई कि भैया इनकी लोकेशन क्या होती है. अब जो आते हैं बाद में दो जंक्शन, वो दो जंक्शन क्या है, देखो दिस इज द फर्स्ट जंक्शन, ठीक है ना, दिस इज द सेकेंड जंक्शन. यहां पे भी अगर बात करें ये एक जंक्शन हो गया और ये एक दूसरा जंक्शन हो गया, ठीक है ना.
अब यहां पे क्या होता है, ट्रांजिस्टर तभी वर्क करता है जब एक जंक्शन है ना फॉरवर्ड बायस में हो, यानी कि जो इनपुट है जहां से अपन जिस जंक्शन पे, इन जंक्शन का मतलब क्या है कि एक जंक्शन पे अपन इनपुट देंगे और दूसरे जंक्शन पे अपन आउटपुट लेंगे। सिमिलरली इधर भी होगा, एक जंक्शन पे इनपुट, एक जंक्शन पे आउटपुट, लेकिन किस जंक्शन पे इनपुट लेना है और किस जंक्शन पे आउटपुट लेना है ये हमारे सर्किट के कनेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो हम यहां पे एक थंब रूल फॉलो करते हैं, वो थंब रूल क्या है कि हमेशा इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, हमेशा इनपुट जंक्शन में, स्पेशली फॉर ट्रांजिस्टर आई एम टॉकिंग अबाउट, हमेशा इनपुट जंक्शन को अपन फॉरवर्ड बायस से कनेक्ट करेंगे। मतलब किस तरह से कनेक्ट करेंगे, फॉरवर्ड बायस की तरह, यानी कि जो पी टाइप है ये पॉजिटिव से और जो एन टाइप है वो नेगेटिव से। यहां पे अगर ये एन और पी है तो ये वाला पी पॉजिटिव से करेंगे और एन को नेगेटिव से करेंगे, सो दिस लाइन विल बिहेव एज अ इनपुट जंक्शन। यहां पे ये वाला इनपुट जंक्शन की तरह काम करेगा, ये आउटपुट, यहां पे ये इनपुट और ये आउटपुट, इस तरह से। आप चाहें तो अलग भी कर सकते हैं, अगर आप इसको इनपुट जंक्शन बनाना चाहते हैं तो आपको यहां पे फॉरवर्ड बायस लाना पड़ेगा, ठीक है। ओके तो सपोज करो कि अगर हम पहली वाली जो ये जंक्शन है, अगर हम इसको इनपुट जंक्शन मान रहे हैं, तो यानी कि इसको कैसा होना पड़ेगा, फॉरवर्ड बायस, और इसको कैसा होना पड़ेगा, रिवर्स बायस। सिमिलरली अगर हम यहां पे फर्स्ट जंक्शन को अगर इनपुट जंक्शन मान रहे हैं तो इसको फॉरवर्ड बायस और इसको रिवर्स बायस। कहती बात आप लोग के समझ में आई, तो बहुत नॉर्मल सी बात अपन ने अभी तक करी है, ठीक है। अब देखो इनका जो सिंबल होता है वो सिंबल कैसा होता है ये देखना। पीएनपी के लिए अगर अपन बात करें, पीएनपी के लिए अगर अपन बात करें तो देखो बच्चों, एक लाइन होती है इस तरह से, ठीक है, और ये क्या है, पीएनपी है ना, यानी कि यहां पे ठीक है, और एक लाइन ये जाती है, सो दिस लाइन इज ऑफ बेस। यहां पे जब भी एरो जिस लाइन पे होगा हमेशा वो लाइन आपकी एमिटर की होगी और ये लाइन आपकी किसकी होगी, कलेक्टर की होगी। और यहां पे आगे आपका जहां पे एरो एंड हो रहा है वो क्या है, एन, तो ये क्या होगा, पी, और ये क्या होगा, पी। सो पी एन पी का आपका सिंबल क्या हो गया, ये। उसी तरह से अगर अपन यहां पे बात करें एनपीएन के लिए, सो दिस लाइन इज ऑफ बेस, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, एरो अगर मान ली, एरो ऐसा है तो यहां पे क्या हो गया, एन, ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा, पी, और इधर क्या हो जाएगा, एन। और एरो वाली लाइन किसकी होती है, एमिटर की होती है, तो यानी कि यहां पे आ गया आपका एमिटर, यहां पे आ गया आपका कलेक्टर, और यहां पे क्या आ गया आपका बेस, ठीक है। सो दिस इज द सिंबल रिप्रेजेंटेशन फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड दिस इज फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्लियर हुई इतनी बात, ये वाली बात ध्यान रखना कि यहां पे एरिया जो है कलेक्टर का ज्यादा होता है, बेस का कम होता है, सबसे छोटा बेस का होता है और बेस से थोड़ा सा बड़ा किसका होता है, एरिया यहां पे एमिटर का, फॉर बोथ द थिंग्स, है ना, दोनों के लिए ऐसा ही होता है। तो ये बेटा अपन ने क्या देखा है, यहां पे कंस्ट्रक्शन देखा है ना। अभी इसमें कुछ और बातें जो आपको मुझे बतानी है वो है, सबसे पहली यहां पे आप हेडिंग लिख सकते हो बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, देखो तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एमिटर की, देन सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे बेस की, देन थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे कलेक्टर की, क्योंकि अभी हमें इन तीनों के बारे में कोई ज़्यादा डिटेल पता नहीं है, है ना। तो देखो एमिटर डायग्राम पे देखना, अपन किसी भी एक को लेकर के समझ सकते हैं, दोनों के लिए बात सेम होगी। तो मैं अगर पीएनपी के लिए आपको समझाऊं तो देखो यहाँ पे एमिटर है, एमिटर का काम होता है ट्रांजिस्टर के प्रोसेस को इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, है ना। तो अपन पहली बात यहां पे क्या लिख सकते हैं, इट इनिशिएट और स्टार्ट द प्रोसेस,
ठीक है ना। दूसरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, देखो अगर मैं आप लोगों से पूछूं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, तो आई थिंक नाउ यू कैन टेल मी वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन किया है। अब ये पी टाइप है, तो क्या पी टाइप में जो इंप्योरिटी होती है क्या वो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होती है? यस। और क्या एन टाइप के अंदर जो इंप्योरिटी होती है वो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती है? राइट। तो अगर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, इलेक्ट्रॉन विल बी इन मेजोरिटी एंड होल विल बी इन माइनॉरिटी, लेकिन यहां पे ट्राइवेलेंट जहां पे इंप्योरिटी वहां पे क्या होगा, होल्स विल बी इन मेजोरिटी एंड इलेक्ट्रॉन विल बी इन माइनॉरिटी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यार यहां पे होल का इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन करो, सो आई थिंक आपको पता है कि अपन होल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस और ये जीरो, और इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन अपन कैसे करते हैं, प्लस और ये। तो अगर अपन यहां पर बनाए माइनस जीरो ठीक है, इस तरह से अगर मैं यहां पर होल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां पे अपन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, सपोज इस तरह से, ठीक है ना। तो दिस विल बी द सिनेरियो, ऐसा यहां पे होता है। तो मैं आपको जो दूसरा पॉइंट समझाने जा रहा हूं उसका मतलब क्या है, मैं आपको डोपिंग के बारे में बताना चाह रहा हूं। तो एमीटर में सबसे ज्यादा डोपिंग होती है, यानी कि सबसे ज्यादा इंप्योरिटी कहां पे होगी, एमीटर में सबसे ज्यादा डोपिंग लेवल किसका होता है, एमीटर का होता है। तो ये वाली बात एक और ध्यान रखना आप एमीटर के लिए, डोपिंग इज मैक्सिमम, ठीक है। अब अगर अपन इसके एरिया की बात करें, तो आई थिंक आई हैव मेड द डायग्राम सो मच क्लियर टू यू कि आपको पता चल रहा है कि बेटा कलेक्टर रीजन का एरिया सबसे बड़ा है, उससे छोटा एमीटर का है, और सबसे छोटा एरिया किसका है, बेस का है। तो अपन यहां पे देखो क्या लिख सकते हैं कि कलेक्टर का एरिया सबसे बड़ा, देन एमीटर का उससे छोटा, एंड देन बेस का सबसे छोटा एरिया, ठीक है। तो ये दो बातें बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि डोपिंग लेवल एमीटर में सबसे ज्यादा होता है और इनिशिएट क्या करता है, प्रोसेस को इनिशिएट करता है ट्रांजिस्टर के। देन हम बात करें बेस की, फर्स्ट पॉइंट तो बहुत ही क्लियर है कि इसका जो एरिया है आपको दिख रहा है कि कैसा है, मिनिमम है, है ना। इसका एरिया क्या है, मिनिमम है। बट ये क्या करता है, ये सबसे मेजर फंक्शन करता है, ये इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन। ये क्या करता है, ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, यानी कि यहां पे अभी अपन आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में आगे, तो अपन यहां पे रेजिस्टिव लोड भी यहां पे कनेक्ट करेंगे, तो रेजिस्टिव लोड से कितना करंट पास होगा और कितना नहीं होगा इसकी देखरेख कौन करेगा, बेस। कौन करेगा, बेस। अच्छा डोपिंग लेवल की बात की जाए यहां पे, तो डोपिंग लेवल का यहां पे क्या होता है कि ये एमिटर से, मतलब डोपिंग जो है मिनिमम है यहां पर, आप ऐसा मान लीजिए कि डोपिंग क्या है, मिनिमम है। डोपिंग है बिल्कुल है, लेकिन मिनिमम डोपिंग है यहां पे। देन कलेक्टर की बात करें, कलेक्टर में क्या होता है, एज यू कैन सी कि इसका एरिया तो मैक्सिमम है ना। अब ये मैक्सिमम क्यों है, इस पर भी अपन अभी चर्चा करेंगे। बाकी ये क्या करता है, ये फाइनलाइज करता है, फाइनलाइज द कंप्लीट ऑपरेशन, ठीक है ना। ये फाइनलाइज कर देता है कि हाँ भाई अब यही कंप्लीट ऑपरेशन होना है, ठीक है ना। देन डोपिंग लेवल की बात की जाए, तो डोपिंग जो है इसमें बेस से तो ज्यादा होती है ना, लेकिन एमीटर से कम डोपिंग है इसमें, ठीक है ना। तो डोपिंग के मामले में ये सेकंड नंबर पे है, एमीटर सबसे पहले पे है। मैं यहां पर लिख देता हूं जैसे डोपिंग के लिए, डी फॉर डोपिंग, तो एमीटर में सबसे ज्यादा, फिर कलेक्टर में, और सबसे कम किस में है, बेस में है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। हाँ तो अब हम बात कर रहे थे कि यार कलेक्टर का एरिया सबसे ज्यादा क्यों होता है, देखो उसका रीजन क्या है। यहां पे ये जो एन टाइप है, यहां पे रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होता है ना, लेकिन
सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो यहां होगा कलेक्टर में। सिमिलरली यहां पे भी कलेक्टर में सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा। इधर अगर पीएनपी की बात करें तो यहां पे कलेक्टर में, दोनों में एक ही जगह कलेक्टर में सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन किसका? इलेक्ट्रॉन का और होल का। तो जब सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन यहां होता है तो हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है, और जब हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है तो उसको डिसिपेट कराने के लिए हमें बड़ा एरिया चाहिए, है ना, ताकि ये थोड़ा सा यहाँ पे कूल रह सके, है ना, एनवायरनमेंट इसका। सो दैट्स व्हाई द एरिया ऑफ कलेक्टर इज ऑलवेज हाई, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होता है, सबसे ज्यादा हीट जनरेट होती है, उस हीट को डिसिपेट करने के लिए हम एरिया बड़ा रखते हैं कलेक्टर का। इतनी बात आप लोग क्या ही समझ में अच्छे से, कोई डाउट यहां तक? तो अब अपन आगे बढ़ते हैं वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर पे, है ना, कि ट्रांजिस्टर में एमीटर बेस और कलेक्टर, बिकॉज नाउ यू आर वेरी मच फ्रेंडलियर कि ना एमीटर बेस और कलेक्टर क्या होता है। तो अपन एक सर्किट डिजाइन करते हैं, ठीक है, किसी भी एक के लिए कर सकते हैं अपन, पीएनपी के लिए या एनपीएन के लिए, एंड देन वी सी कि क्या होता है। पहले आप इन सब बातों को नोट करिए। ओके, तो इतनी बात समझ में आई, क्या इसको मैं दोबारा से रिपीट करूं? क्लियर हुआ होगा? देखो दोबारा से देख लो, अपन ने बहुत कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं करी अभी तक अपन ने। ट्रांजिस्टर को अपन ने बिल्कुल बेसिक लेवल पे डिफाइन किया है कि तीन टर्मिनल होने चाहिए। तीन टर्मिनल कौन है? एमिटर बेस और कलेक्टर। दो जंक्शन होने चाहिए, एक जंक्शन एज अ इनपुट काम करेगा और एक जंक्शन एज अ आउटपुट काम करेगा। कौन सा इनपुट होगा, कौन सा आउटपुट होगा, ये आप अब कैसे डिनोट करोगे? हमारा थंब रूल क्या होगा कि इनपुट जंक्शन से हम फॉरवर्ड बायस को कनेक्ट करेंगे और आउटपुट जंक्शन से हम रिवर्स बायस को कनेक्ट करेंगे, तभी ट्रांजिस्टर काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो अब आपको इनपुट ये लेना है या ये लेना है, डिपेंड करता है कि आपने फॉरवर्ड बायस से किसको कनेक्ट किया है। जो भी फॉरवर्ड बायस से कनेक्टेड होगा वो इनपुट फंक्शन माना जाएगा, इनपुट जंक्शन माना जाएगा। यही बात यहाँ के लिए भी ट्रू है। देन पीएनपी और एनपीएन का जो डायग्राम होता है, ये किस तरह से, ये किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं? तो यहाँ पे कलेक्टर का एरिया सबसे ज़्यादा, बेस का सबसे कम, और एमीटर का बेस से थोड़ा सा बड़ा होता है एरिया, ठीक है। इनको अपन पास पास रखेंगे, लेकिन इस तरह से कि इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये इनका सिंबल हो गया, ठीक है ना। जहाँ पे एरो आता है वो हमेशा एमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन एरो जहाँ पे एंड होगा वो एन टाइप को भी रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ एंड हो रहा है तो ये एन हो गया, तो ये पी और ये एन, और ये एमीटर वाली लाइन होगी हमेशा एरो वाली लाइन, ठीक है ना। तो ये सब बात हुई अपनी। यहाँ पे मेजोरिटी किसकी है? होल्स की है। यहाँ पे मेजोरिटी एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की है। यहाँ पे भी आप सिमिलर बात कर सकते हो, ये एन टाइप है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी ज़्यादा है, यहाँ पे होल्स की ज़्यादा है, ठीक है ना। हाँ, बेस में रिकॉम्बिनेशन होता है, नो डाउट, है ना, लेकिन कलेक्टर में रिकॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा होता है, हीट भी सबसे ज्यादा जनरेट होती है, इसलिए उस हीट को डिसिपेट करने के लिए हमें एक बड़े एरिया की जरूरत पड़ती है। बेस जो है आपका, वो आपके ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, फाइनलाइज करता है कलेक्टर, लेकिन इनिशिएट कौन करता है? हमेशा एमीटर। सबसे ज्यादा डोपिंग कहां पे देखने को मिलेगी? एमीटर में। सबसे कम डोपिंग बेस में, और एमीटर से थोड़ी सी कम होती है डोपिंग, और बेस से थोड़ी सी ज्यादा होती है डोपिंग किसमें? कलेक्टर में। और इसी बात को मैंने यहां पे भी लिखा था, ठीक है ना। तो ये सब बातें थी मेरे ख्याल से। आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ वी सी द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिस्टर। वर्किंग प्रिंसिपल देखना चाह रहे हैं हम अपन। सपोज अपन पीएनपी को ही ले लेते हैं, है ना। फर्स्ट अपन ने क्या लिया था? पीएनपी। पीएनपी को ही ले लेते हैं अपन यहाँ पे। तो पीएनपी का अगर अपन देखो डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो किस तरह से होगा वो देखो। यहाँ पे सबसे ज्यादा एरिया तो अपन ने दे दिया किसको? कलेक्टर को। और सबसे कम एरिया दिया अपन ने किसको? बेस को। तो ये पी, ये एन टाइप और ये पी टाइप। अब अपन यहां पे फॉरवर्ड बायस से जिसको कनेक्ट करेंगे वो इनपुट जंक्शन बन जाएगा। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है? पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करना और एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करना। तो ये देखो, मैंने सपोज यहां से एक वायर लिया, है ना, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से, और नेगेटिव से मैंने किसको कनेक्ट कर दिया यहां पे, और ये मान लो यहां पे अर्थिंग कर दी, ठीक है ना।
तो पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एन टाइप नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो फर्स्ट जो ये जंक्शन है इसको अपन एक अलग कलर की लाइन से डिनोट कर देते हैं। नाउ दिस हैज बिकम योर इनपुट जंक्शन, इस बात को समझना, ठीक है। अब ये क्या है, ये दूसरा जंक्शन है, इसको दूसरे कलर से अपन बना देते हैं। ये है आपका अब आउटपुट जंक्शन बन गया, बाय डिफॉल्ट ये आपका आउटपुट जंक्शन बन गया है, और आउटपुट जंक्शन को हमें रिवर्स बायस से कनेक्ट करना है। रिवर्स बायसिंग का मतलब क्या है कि पी टाइप विल कनेक्ट विद द नेगेटिव टर्मिनल एंड एन टाइप विल कनेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये हमने निकाला पी टाइप को यहां से, है ना, और मान लो कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये वायर अपन यहां से ला करके ये इस तरह से कनेक्ट कर दिया। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ योर पीएनपी ट्रांजिस्टर। किसकी बात करी अपन ने, पीएनपी अपन देखो दोनों की बात कर सकते हैं, बट इट विल बी अ टाइम वेस्ट, है ना। अगर मैं यहां पे बोलो एनपीएन के लिए आप इस तरह से सर्किट ड्रॉ करें तो बहुत ईजी है। देखो यहां पे क्या है, N को हम किससे कनेक्ट करेंगे, या इधर से देखो, N को अगर मैं नेगेटिव से कर दूं, P को पॉजिटिव से कर दूं, तो ये फॉरवर्ड बायस बन गया। फर्स्ट जंक्शन क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, और इधर N को किससे कनेक्ट कर दूंगा, पॉजिटिव से, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, रिवर्स बायस बन जाएगा। यानी कि यहां से आउटपुट मिलेगा और यहां से इनपुट। ये यहां पर लिख भी देता हूं मैं ताकि आप लोगों की याद भी रहे, यहां से मिलेगा इनपुट और यहां से क्या मिलेगा, आउटपुट। तो ये जो वर्टिकल लाइंस है ना, ये जंक्शन है, है ना, जंक्शन है, और ये क्या है, ये आपके सेमीकंडक्टर्स हो गए इंडिविजुअल, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। अगर इसी रिप्रेजेंटेशन को हमें अगर सिंबल, जैसे अपन ने ये सिंबल बनाए थे अभी, अगर इनको अपने को वायर से कनेक्ट करना हो तो अपन किस तरह से इनको वायर से कनेक्ट करेंगे, इसको भी अपन देख लेते हैं, है ना। देखो इस पर्टिकुलर डायग्राम को अपन सिंबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीज देखना। यहां पे अच्छा देखो, यहां पे ये होगा आपका एमीटर, करंट ड्यू टू एमीटर, है ना, ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो बेस करंट आपका ये होगा, और फिर होल्स इस तरफ मूव करेंगे तो ये होगा आपका। अब ये कैसे आया, अभी करंट का डायरेक्शन मैंने कैसे लिया ये बताता हूं आपको। तो ये देखो, ये अपन ने क्या बना दिया, बेस, ठीक है ना। अब ये क्या है, पी एन पी है, है ना। तो अपन अगर ये बोलें कि भाई ये इस तरह से आ रहा है एन, ये पी, तो ये वाली लाइन डेफिनेटली किसकी होगी, एमीटर की। मैं चाहता तो लाइन को वहां से भी गिरा देता, लेकिन फिर आपका ये बिल्कुल सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता। तो बिल्कुल सिंक्रोनाइज करने के लिए मैंने इस तरह से, आपकी जैसी मर्जी हो वैसा भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि किस लाइन का क्या मीनिंग है, ठीक है। ये कहां जाएगा, कलेक्टर में, ठीक है। अब देखो ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, और ये पी टाइप है। अगर पी को इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस से कनेक्ट किया तभी वो इनपुट माना जाएगा। तो ये पी टाइप को अगर मैं पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं और एन टाइप को अगर मैं नेगेटिव से कनेक्ट कर दूं, और ये अर्थिंग हो गई यहां पे नीचे, तो क्या ये फॉरवर्ड बायस बन गया, ठीक है ना। अब ये पी टाइप है तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव से और पॉजिटिव से किसको कनेक्ट करना पड़ेगा, एन टाइप को। तो ये देखो, पॉजिटिव से अपन ने एन टाइप को कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया हमारा, रिवर्स बायस। तो इस तरह से अपन इसका सिंबल जो है ड्रॉ कर सकते हैं। आई वुड नॉट से कि ये गलत है, है ना, ये गलत नहीं है, लेकिन ये ज्यादा सही है। आपको वही बात समझ में, वो अपन ने जो बनाया वो गलत नहीं है, लेकिन ये ज्यादा सही है, ठीक है। अब मैं आपको यहां पे करंट की जो बात बता रहा था, देखो यहां पे बहुत अच्छे से देखना, ये पी टाइप है, पी टाइप है, यानी कि यहां पे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है, यानी कि यहां पे मेजोरिटी में कौन है, होल्स हैं, ठीक है ना। ये मेजोरिटी में कौन है, यहां पे होल्स हैं, और एन टाइप के अंदर मेजोरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना, ऐसा ही है। बहुत सारे अपन एक ही बना रहे हैं, है ना। तो अब देखो क्या होगा, ये देखो ये वाला सोर्स क्या है, पॉजिटिव, और होल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो इन होल्स को
इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक रिपल्शन मिलता है। क्या मिलता है? एक रिपल्सिव फोर्स मिलता है। आपको पता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो आगे की तरफ है ना इनको धक्का मिलता है, एक रिपल्सिव फोर्स मिलता है। और देखो क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस बना हुआ है, ये जो पहला जंक्शन है ये कैसा है, इनपुट जंक्शन, और कैसा है फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस यानी कि क्लोज स्विच, यानी कि यहां से ये होल्स अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं, क्योंकि ये कैसा है फॉरवर्ड बायस है। अब अगर ये अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं तो यहां पे तो क्या है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन भी है, तो रिकॉम्बिनेशन होता है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये यहां पे इस एरिया में सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होता है। लेकिन यहां पर देखो जब ये होल्स यहां पर मूव करे तो उस टाइम पे करंट जनरेट हुआ, उस करंट को हमने क्या बोला, एमिटर करंट। और इसका डायरेक्शन इस तरफ क्यों हुआ, क्योंकि हमारा कन्वेंशन क्या है कि जिस डायरेक्शन में होल ट्रेवल करते हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी होता है। लेकिन होल और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, तो अगर करंट इस तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहा होगा। क्लियर है फंडा, अपना कन्वेंशन जो अपन ने ले रखा है। तो देखो अब यहां पे क्या होगा, बेस में अगर बात की जाए तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे ऊपर आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में होगा हमारा करंट, यानी कि बेस करंट का डायरेक्शन कहां हो गया, नीचे की तरफ हो गया। यहां पे देखो यहां पे क्या है, अब यहां पे पी है, पी टाइप है, यानी कि यहां पे मेजोरिटी में कौन है, होल्स है, मेजोरिटी में होल्स है, यानी कि यहां पे होल्स अपन ने बना दी, बहुत सारे इस तरह के होल्स होंगे यहां पे। तो होल इस तरफ मूव कर रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में होल है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, करंट होगा। यानी कि ये आ गया अपना होल के डायरेक्शन में कलेक्टर करंट। क्या इतनी बात क्लियर हुई है आप लोगों के सबके? ठीक है, तो अब यहां पे आप बना सकते हैं, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। पी टाइप, पी टाइप यानी कि फॉरवर्ड से कनेक्टेड है, तो करंट अंदर की तरफ जाएगा और एमिटर करंट हो जाएगा ये, है ना। बेस या इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएंगे तो बेस का करंट कहां हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, और यहां पर अपना क्या हो जाएगा, यहां पर कलेक्टर। ठीक है, कुछ इस तरह से ही होगा। अच्छा देखो बिल्कुल ईमानदारी से अगर अपन इसको बनाए तो देखो कैसा बनेगा ये लाइन। तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, है ना, ये हो गया अपना इनपुट। भाई इनपुट भी तो देना है ना अपने को, तो ये इनपुट दे दिया। बैटरी का कनेक्शन कैसे करेंगे, पी से पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है ना, ऐसे। और आउटपुट हम कहां से लेंगे, यहां से लेंगे आउटपुट। तो कोई बात नहीं, बैटरी ऊपर कनेक्ट कर दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, है ना। और ये हो गया अपना यहां पे आउटपुट, यहां पे हम आउटपुट लेंगे और यहां से हम इनपुट देंगे, ठीक है ना, इनपुट और आउटपुट। क्लियर हुआ, ये वर्किंग प्रिंसिपल है, नॉर्मल, कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है, लेकिन आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर समझ में आनी चाहिए। और सिमिलरली अगर आपको ये समझ में आ गया तो एनपीएन के लिए आप इस तरह का सर्किट ड्रॉ कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं वर्किंग प्रिंसिपल के बाद, अब अपन बात करेंगे वर्किंग मोड की, है ना, कि ये किस किस तरह से वर्क किया जा सकता है, है ना। वर्किंग मोड ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको अपन देखें, सबसे पहला सी बी, दूसरा सी ई, एंड थर्ड वन इज सी सी। इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब है कॉमन बेस, यानी कि जब बेस कॉमन हो तो क्या सिचुएशन होगी, है ना। देखो जैसे यहां पे अगर अपन देखें ना, ये सिचुएशन है कॉमन बेस की, ये इस सर्किट में इधर के लिए और इधर के लिए दोनों के लिए कॉमन क्या है, बेस है। उसी तरह से अगर यहां पे कॉमन एमीटर हो जाए, कॉमन कलेक्टर हो जाए, तो क्या सिचुएशन होगी, उस मोड में ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करेगा, ये सब अपन यहां पर देखेंगे, है ना। तो सी ई का मतलब क्या है, कॉमन एमीटर, और सी सी का मतलब क्या है, कॉमन कलेक्टर, ठीक है। अब इनके तीनों के डायग्राम अपने को यहां पे देखना है, तो अपन एक एक करके देखते हैं। देखो एक साथ देखते हैं अपन तीनों के, है ना। तो
तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन बेस देखेंगे, यहाँ पे कॉमन एमिटर देखेंगे, और यहाँ पे लास्टली कॉमन कलेक्टर देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं अपन कॉमन बेस के लिए, ठीक है। किस तरह से यहाँ पे अपना सर्किट ड्रॉ करेंगे अपन, इस बात को समझना यार, ये जगह यहाँ पे अपने को छोटी तो पड़ेगी, तो एक काम करते हैं इसको अपन यहाँ पे रब कर देते हैं, है ना, क्योंकि ये तो केवल लिखना है आपको, केवल हेडिंग्स हैं। सी ई को अपन यहाँ देख लेंगे और सी सी को अपन यहाँ पे देख लेंगे, है ना। अब थोड़ा सी अपनी अच्छी खासी जगह होती है, कॉमन बेस देखो, अगर मुझे बेस को कॉमन रखना है तो ये देखो, ये लाइन मैंने डाल दी किसकी, बेस की, और यहां पे अपन किसको ले रहे हैं बेटा, यहां पे अपने को लेना पड़ेगा पी एन पी ले लेते हैं सपोज, है ना। तो ये हुआ कुछ ऐसे और ये हुआ कुछ ऐसे, सो दिस इज पी, दिस इज एन, दिस इज पी, ठीक है। अब P को मैंने किससे कनेक्ट किया, सपोज यहीं पे एक बैटरी लगा देते हैं ताकि नीचे इनपुट ले लेंगे, बैटरी P से पॉजिटिव साइड और N से नेगेटिव साइड, यहाँ पे अपन लेंगे इनपुट और ये कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देन यहाँ पे अगर अपन बात करें तो अगर ये मैंने इनपुट जंक्शन ले लिया है तो अगर इसको आउटपुट बनाना है, मैं बार बार इस चीज़ को रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आप लोग भूले नहीं, तो यहां पे हमें क्या लेना पड़ेगा, रिवर्स बायस, यानी कि पी को नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये लो भाई नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, और यहां पे अपन ने क्या ले लिया, आउटपुट, ठीक है, दिस इज योर आउटपुट। ये किसका डायग्राम बना अपना, जब बेस कैसा है कॉमन। अब देखो यहां पे करंट को अपन किस तरह से यहां पे डालेंगे, तो इधर देखो यहां पे एमीटर करंट सेम बनेगा ये तो, है ना, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो बेस करंट आ गया आपका नीचे, और यहाँ पे किधर की तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा कलेक्टर करंट। अच्छा एक बात है ना, मैं आपको यहाँ पे बतानी भूल गया, वर्किंग प्रिंसिपल में एक बात देखना है यहाँ पे, ये और कॉमन बेस बिल्कुल सेम डायग्राम है, तो यहाँ से आप एक चीज नोटिस करो कि एमीटर करंट जो भी होगा वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के बराबर होगा, ठीक है ना, दिस विल बी ट्रू एवरी टाइम, ठीक है ना, ये हमेशा ट्रू होगी ये वाली बात, एमीटर करंट जो है वो बेस और कलेक्टर करंट के बराबर ही होगा हमेशा। और ये बात देखो यहां पे भी ट्रू है, यहां पे भी एमीटर करंट इज इक्वल्स टू, डायरेक्शन भी देख लो आप करंट के, ठीक है ना, तो ये बात है यहां पे, क्लियर हुई ये वाली चीज, कॉमन बेस। ये बेस क्या है, बेस इज एक्टिंग एज अ कॉमन फॉर फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, ठीक है। अब अपन यहां पे बात करें कॉमन एमीटर की, अगर एमीटर को मुझे कॉमन रखना हो तो क्या करेंगे, देखो यहां पे अपन सपोज एनपीएन को अगर यूज करें, है ना, तो एमीटर को कॉमन रखना है, तो एमीटर कहां पे होता है, एरो वाली लाइन पे होता है ना। तो अगर मैं इस तरह से देखो डायग्राम बनाऊं, दिस इज एन, दिस इज पी एंड दिस इज अगेन एन, है ना। अब यहां पे देखो ये बेस से कौन कनेक्टेड है, पी टाइप। तो अगर मुझे फर्स्ट इनपुट को फॉरवर्ड बायस बनाने, तो क्या करूंगा, पी टाइप को तो मैं कनेक्ट कर दूंगा बेटा किससे, पॉजिटिव से, और इस एन टाइप को मैं कनेक्ट करूंगा किससे, यहां पे इनपुट भी डाल देते हैं, है ना, और ये इस तरह से मैंने इनको यहां पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहां पे क्या करना पड़ेगा, अब इस एन टाइप को मुझे किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव से, है ना, नेगेटिव से नहीं करूंगा, तभी तो ये रिवर्स बायस बन पाएगा। तो इसको अपन ने कनेक्ट किया किससे, पॉजिटिव से, और नेगेटिव को अपन ने किससे कनेक्ट करेंगे, यहां पे इधर इस सर्किट से, इस तरह से। तो अब आप देखो ये आपका एमीटर है,
ये आपका बेस है और ये आपका कलेक्टर है। तो नाउ देखो, एमीटर इज कॉमन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स, दोनों के बीच में क्या आ गया कॉमन, अब एमीटर आ गया। करंट का डायरेक्शन यहां पे देखते हैं, करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, यहां पे आपके पास होगा बेस करंट है ना, सॉरी ये अपना कैसा है एमीटर, एमीटर करंट होगा यहां पे है ना, और बेस करंट आपका कैसे होगा, बिल्कुल ये इस तरह से यहां पे आपका हो जाएगा कलेक्टर करंट, ठीक है ना। तो ये आपका यहां पे क्या हो गया कॉमन, एमीटर का डायग्राम हो गया। देन अपन बात करें यहां पे कॉमन कलेक्टर की है ना, कॉमन कलेक्टर की, कॉमन कलेक्टर में देखो क्या होगा, कॉमन कलेक्टर में भी अपन एनपीएन को ले लेते हैं है ना, एनपीएन, और अब की बार अपने वो कलेक्टर को कॉमन करना है, तो कलेक्टर को कॉमन करना है तो भाई कलेक्टर यहां ले लिया है ना, तो अपन इसको कैसे कर सकते हैं, और एन यहां पे रख देते हैं एक है ना, दिस इज एन पी एन, तो बेस से फिर से क्या है पी टाइप कनेक्टेड है, और अगर फर्स्ट इनपुट को हमें फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव से और नेगेटिव से अपन यहां पे इनपुट ले लेते हैं पहले, ठीक है, और ये हो गया एक लूप तो हो गया फॉरवर्ड बायस का यहां पे अपना है ना, और यहां से अपन क्या करें नेगेटिव को कनेक्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव से, और ये अपना हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और यहां पे कहीं पे अपन ले लेते हैं आउटपुट, और ये इस तरह से होगा, ठीक है ना। अब यहां पे जो अपने करंट की डायरेक्शन होगी वो किस तरह से होगी, देखो ये यहां पे हो गया आपका कलेक्टर करंट है ना, और यहां पे आपका जाएगा कौन सा एमीटर, तो अब ये होगा है ना, तो एमीटर हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस, ठीक है। तो यहां पे भी आई ई बराबर आई सी प्लस आई बी रहेगा है ना, और यहां पे क्या होगा, यहां पे भी आपका आई ई बराबर आई सी प्लस आई बी रहेगा, ठीक है। तो इनको फटाफट से नोट करो, फिर इसके बाद है ना कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे कि करंट गेन, चलो देख लो साथ के साथ ही, फिर उसके बाद अपन यहां पे लिख लेते हैं अपन सारी टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले अपन देखेंगे करंट गेन, देन अपन देखेंगे वोल्टेज गेन, देन अपन देखेंगे रेजिस्टेंस गेन, एंड आफ्टर दिस विल सी पावर गेन, है ना। क्या होता है ये, कुछ भी नहीं, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, वोल्टेज क्या होगा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है ना। इन सब के ऊपर अपन डिटेल में अभी डिस्कशन करेंगे, पहले इन सब को आप नोट करो। ओके, तो किसी को कोई दिक्कत है यहां पे, सारी चीज समझ में आई? हाँ यार, ये इसको चेंज कर लेना, ये ऐसे है आई ई ऐसे, और ये तभी ये वाले रिजल्ट आएगा अपने पास, है ना, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन, तो अपन जैसे कि बात कर रहे थे कि करंट गेन और वोल्टेज गेन, रेजिस्टेंस गेन, पावर गेन, इन सब के ऊपर अपने को बात करनी है, है ना। तो देखो क्या होता है, करंट गेन आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो देखो यहां पे अपन वन बाय वन फॉर ईच एंड एवरी सर्किट अपन देखेंगे, है ना। अगर कॉमन बेस की बात कर रहे हैं तो कॉमन बेस का करंट गेन अपन डिनोट करते हैं अल्फा से, है ना। तो अल्फा बराबर आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, तो ये इनपुट सर्किट है और ये आउटपुट जंक्शन है ना, मतलब इनपुट जंक्शन और ये आउटपुट जंक्शन, तो आउटपुट में कितना करंट है IC और इनपुट में कितना करंट है IE, यानी कि IC अपॉन IE, क्लियर है। यहां पे कॉमन एमीटर के लिए सपोज अपन करंट गेन को इंडिकेट करें बीटा से, है ना, तो ये आउटपुट है, यानी कि यहां पे कितना है IC और इनपुट में कितना करंट है IB, क्लियर है। देन कॉमन
कलेक्टर की अगर अपन बात करें तो यहां पे अपन अगर रिप्रेजेंट कर दें अल्फा बीटा गामा, गामा से अगर कर दें तो आउटपुट में करंट कितना है आई ई और इनपुट पे करंट कितना है आई बी, ठीक है ना। ये अब देखो इनको थोड़ा सा यहां लिखें यार ताकि क्लैरिफिकेशन ज्यादा अच्छे से हो पाए। सी बी सी ई एंड सी सी, अल्फा बराबर कितना निकाला अपन ने आई सी बाय आई ई, बीटा बराबर कितना निकाला अपन ने आई सी बाय आई बी, आई सी बाय आई बी, और गामा बराबर अपन ने कितना निकाला यहां पे आई ई बाय आई बी। ये सब याद रहेगा ना आपको, करंट गेन, वोल्टेज गेन, रेजिस्टेंस गेन, पावर गेन, हमेशा आउटपुट बाय इनपुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने यहां पे करंट गेन को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पे आप वोल्टेज गेन निकालिए, है ना, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। वोल्टेज गेन अगर अपने को निकालना है तो वोल्टेज गेन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं वी ए से, है ना, या ऐसे कर लीजिए ए वी, ए वी से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ए वी, ठीक है ना। बाकी जैसा भी आपको रिप्रेजेंटेशन लेना हो देयर इज नो बिग डील इन दैट। तो ए वी कितना आ जाएगा यहां पे, अगर सी बी के लिए बात करें, कॉमन बेस के लिए बात करें, भाई ये क्या होता है वी इज इक्वल टू आई आर, है ना, वोल्टेज बराबर क्या होता है आई आर, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा इनपुट, यानी कि क्या हो जाएगा ये आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट और आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, यही तो होगा। अब आई ओ अपॉन आई आई की वैल्यू कितनी है आई सी अपॉन आई ई और आर ओ बाय आर आई, एज इट इज लिख दिया, और इसी को ही तो अपन अल्फा कहते हैं, तो अल्फा टाइम्स आर ओ बाय आर आई, कैसे लिख सकता हूं मैं। सिमिलरली जब मैं यहां पे वोल्टेज गेन निकालूंगा कॉमन एमीटर के लिए तो ये क्या हो जाएगा बीटा टाइम्स आर ओ बाय आर आई। सिमिलरली कॉमन कलेक्टर के लिए अगर अपन वोल्टेज गेन निकालेंगे, है ना, कॉमन कलेक्टर के लिए तो ये क्या हो जाएगा गामा टाइम्स आर ओ बाय आर आई, यानी कि आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय गामा, होगा किस तरह से, इस तरह से होगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर अपन बात करें वोल्टेज गेन के बाद पावर गेन की, तो पावर क्या होती है आई स्क्वायर आर, यही पावर होती है, है ना, क्या होती है पावर आई स्क्वायर इंटू आर, यानी कि अगर मैं बात करूं ए पी पावर गेन फॉर कॉमन बेस कितना हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर नॉट बाय आई आई का स्क्वायर इंटू आर आई, क्या यही होगा आई इनपुट का स्क्वायर इंटू आर आई। अब ये देखो आई नॉट बाय आई आई क्या है, यानी कि यही तो है, यही तो है आई सी बाय आई, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर नॉट बाय आर आई, ये क्या हो गया पावर गेन इन कॉमन बेस। कॉमन एमीटर में पावर गेन फॉर कॉमन एमीटर कितना आ जाएगा बीटा स्क्वायर इंटू आर नॉट बाय आर आई। सिमिलरली कॉमन कलेक्टर में जो पावर गेन आएगा वो कितना हो जाएगा गामा स्क्वायर इंटू आर नॉट बाय आर आई, ठीक है ना, बहुत बेसिक सी चीजें हैं तो ये अपने को यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब इसके बाद एक छोटी सी बात और अपने को करनी है तो उसको और देख लेते हैं। ये सब सर्किट्स बना लिए ना, इसका ध्यान रखना यहाँ पे ये इस तरफ जाएगा और ये ऊपर की तरफ आएगा यहाँ पे, है ना, दिस इज टूवर्ड्स एन टाइप एंड दिस इज टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इसका ध्यान रखना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और लास्ट सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं अपन आज के लेक्चर का। देखो अपन ने सारे सर्किट्स में अभी तक अपन ने क्या बात करी कि एमीटर करंट जो है वो कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट के बराबर है, क्या यही वाली बात अपन ने डिस्कस करी है। तो अब मैं इसमें तीन प्रोफाइल लेना चाह रहा हूँ, है ना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैंने तीनों में करंट गेन निकाला
मैंने अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू निकाल दी, वोल्टेज गेन भी निकाल दिया, पावर गेन भी निकाल दिया। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा करंट किसमें होगा, तो देखो अगर डायग्राम देख करके थ्योरी वाली बातें समझ के कंसेप्ट समझ करके अगर अपन बोलें तो डेफिनेटली इट विल बी द कलेक्टर, क्योंकि उसका एरिया भी ज्यादा है, वहां पर रिकॉम्बिनेशन भी ज्यादा हो रहा है। तो इसी बात को अपन देखते हैं कि करंट गेन सबसे ज्यादा किसमें होगा, है ना। ऑटोमेटिकली आएगा वही कि कॉमन कलेक्टर में होगा, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा होगा। तो देखो पहला केस मैं लेता हूं, केस वन, जब मैं इस इक्वेशन को अगर मैं बोल दूं इक्वेशन वन, सो आई एम डिवाइडिंग इक्वेशन वन, है ना, डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय लेट से आई ई, पहले आई ई से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो क्या होगा, आई ई अपॉन आई ई इज इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई ई प्लस आई बी अपॉन आई ई, बोथ साइड अपन ने आई ई से डिवाइड कर दिया। तो क्या आएगा, वन बराबर, अब देखो आई सी अपॉन आई ई क्या होता है, क्या अल्फा होता है, क्या अल्फा होता है, और आई बी अपॉन आई ई क्या होता है। अगर आई बी अपॉन आई ई करूंगा तो क्या है, वन अपॉन गामा हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस वन अपॉन गामा, अल्फा प्लस वन अपॉन गामा, है ना। अब अगर अपन यहां से गामा की वैल्यू निकालें, है ना, वन अपॉन गामा बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस अल्फा, है ना। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं कि गामा बराबर क्या आ गया, वन अपॉन वन माइनस अल्फा, क्या ऐसा लिख सकते हैं, यस। देन इसके बाद अगर अपन देखें केस टू, केस टू में अपन इक्वेशन वन को डिवाइड कर दें, आई ई से किया, अब की बार आई सी से कर देते हैं, है ना। तो क्या होगा, आई ई बराबर आई सी प्लस आई बी, और इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई ई बाय आई सी इज इक्वल्स टू आई सी बाय आई सी प्लस आई बी बाय आई सी, ठीक है। अब आई ई ये तो वन बन जाएगा, ई बाय सी और बी बाय सी क्या है, इसको यहां पे देखें, ई बाय सी तो हो जाएगा वन बाय अल्फा और बी बाय सी हो जाएगा वन बाय बीटा, ठीक है ना। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, वन बाय अल्फा, ठीक है ना, e बाय सी वन बाय अल्फा, वन प्लस वन बाय बीटा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां से बीटा की वैल्यू निकालना चाहूं, अल्फा किसी की भी निकाल सकते हो, है ना, ऐसा कुछ वो नहीं है कि अपन बीटा या अल्फा की निकालें। सपोज वन बाय बीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये कितनी होगी, वन बाय अल्फा माइनस वन, यानी कि वन माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, ये वन बाय बीटा के बराबर हो गया, तो बीटा बराबर क्या हो गया, अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, ठीक है। एक और केस देखते हैं और इसमें अब आई बी से डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन वन बाय आई बी, है ना, सो आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। तो क्या होगा, आई ई बाय आई बी इज इक्वल्स टू वन प्लस आई सी बाय आई बी। अब ई बाय बी और सी बाय बी क्या है ये देख लेते हैं, है ना। तो देखो ई अपॉन बी तो है गामा, और एक और क्या था अपने पास यहां पे, सी अपॉन बी है बीटा, सो गामा और बीटा, है ना। सो ई बाय बी, ई बाय बी इज गामा इज इक्वल्स टू वन प्लस बीटा, ठीक है ना? और बीटा को अपन चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, वन प्लस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, और गामा बराबर कितना हो जाएगा, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा, यानी कि वन अपॉन वन माइनस अल्फा, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो अब अगर आप यहां पे अल्फा बीटा और गामा में, यानी कि करंट गेन में अगर आप रिलेशन देखेंगे, सो एक इक्वेशन इसको कंसिडर करो, है ना, एक इसको कंसिडर करो और एक इसको कंसिडर करो। आफ्टर कंसिडरिंग ऑल थ्री इक्वेशंस व्हाट यू विल गेट इज, जो अपने को रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, गामा इज ग्रेटर देन बीटा एंड देन अल्फा, ये रिजल्ट अपने को यहां पे मिलेगा। तो जो सबसे ज्यादा करंट गेन होगा ये कॉमन कलेक्टर में, देन कॉमन एमीटर में, एंड लीस्ट किस में होगा, कॉमन बेस में, ठीक है। आप लोग एक बार इन सबको नोट करें, देन आई विल समराइज द कंप्लीट लेक्चर।
ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी हैव सीन अबाउट सेमीकंडक्टर डिवाइस, वन ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइस विच इज ट्रांजिस्टर, है ना। तो ट्रांजिस्टर में अपन ने बेसिकली पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर देखा है ना, इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, सिंबल क्या होता है ना, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ना, वर्किंग मोड क्या है, ये सब अपन ने आज चर्चा करी। अब देखो इसकी एप्लीकेशन जो होती है ना, इसकी एप्लीकेशन होती है डिजिटल सर्किट में लॉजिक गेट्स। तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में, जहाँ पे अपन कई तरह के गेट्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, है ना, नॉर, नैंड, देन विल स्टडी अबाउट एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव नॉर, एंड देर इज सम यूनिवर्सल गेट ऑल्सो कि नैंड गेट से या नॉर गेट से हम एंड, नॉट और गेट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ये सब अपन करेंगे। बेसिकली स्विचेज हैं, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ स्विचेस, है ना, तो जिसमें क्लोज स्विच कब है, ओपन स्विच कब है, करंट कब फ्लो हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, तो ये सब अपन देखेंगे। ये इसकी एप्लीकेशन है, ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशन है, तो इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। स्टडी हार्ड।